कैथल में आज अम्बाला रोड पर नहीं काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर टाउन प्लानिंग विभाग ने सड़कों व सीवरेज आदि पर चलाया पीला पंजा। पंजाब सड़कों को किया ध्वस्त। डीटीपी अनिल अग्रवाल ने कहा कि सरकार में नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो कॉलोनी 30 जुलाई से पहले बन चुकी हैं वो अपनी वैधता के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन केवल 7 कॉलोनियों के लिए एप्लीकेशन आई है जिस कारण ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये अम्बाला रोड के साथ शुभम पैलेस है, उसके बैक साइड में लगभग 3.5 एकड़ में अवैध कॉलोनी कटी है, जिसमें कच्ची सड़कें बनी हैं और 3-4 प्लॉट की डीपीसी भरी हुई हैं, जिनको आज हम तोड़ने आए हैं और ये पूर्णतः अवैध है। पीछे आप लोगों ने सूचना भी जारी की थी कि अपनी वैध करवा लें, इसके बावजूद भी नहीं। सर, उसमें जो है पायलट प्रोजेक्ट है जिस जो हमारा, उसके अंदर जो है 31 जुलाई 2022 से पहले की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं जिसमें विभाग ने कार्रवाई की हुई है उनके लिए वह पायलट प्रोजेक्ट, ये तो 30 जुलाई के बाद की डिटेक्शन है, इसलिए ये रेगुलर नहीं हो सकती। स्वाइन फ्लू की समस्या के चलते एक फार्म में पशुपालक के पशु लगातार मर रहे थे, जिसकी सूचना उसने पशुपालन विभाग को दी। पशुपालन विभाग फार्म ने पशुओं के सैंपल लिए और लैब में भेजे। इस सैंपल की रिपोर्ट में 5 पशु पॉजिटिव आए और 3 नेगेटिव पाए गए। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फोर्स अफ्रीकी फीवर को अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 1 मीटर के संक्रमित क्षेत्र के अंदर जितने भी संक्रमित पशु हैं उनके हेल्को ड्रग्स के साथ काइंड किलिंग की जा रही है और 9 मीटर के बाद के क्षेत्र में सैंपलिंग की जाएगी। ये सैंपल ये मानेंदर पिग्गी फार्म है भोरे वाला गांव में, वो फार्मर को ये लगा कि उसकी कुछ एनिमल्स की डेथ होने लगी है, तो उसने हमारे पशु चिकित्सक से संपर्क किया। 7 सितंबर में संपर्क किया था, तो हमने उसी दिन वहां सैंपल लेके भोपाल लैब में भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट 14 सितंबर को उसकी रिपोर्ट आ गई थी पॉजिटिव की। 14 आने के बाद उसके बाद सरकार द्वारा 21 सितंबर को उसको कंट्रोल्ड एरिया अम्बाला को नोटिफाई कर दिया गया था। उसके बाद से जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर अफ्रीकन स्वाइन फीवर उसको अमल में लाया जा रहा है, उसके तहत जितने भी एनिमल हमारे इन्फेक्टेड है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसको इन्फेक्टेड जोन बोलते हैं, इन्फेक्टेड जोन के अंदर जितने भी एनिमल होंगे उनकी सबकी कलिंग की जाएगी। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा ने रतिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। बरसात से तबाह हुई फसलों की जानकारी लेने व बरसात से गिरे मकानों की जानकारी लेने के अनेकों गांव का दौरा कर किसानों व गांव वासियों से मिले और आश्वासन दिया कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी। वो आज ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे। आज ही मैंने काफी गांव का दौरा किया है, अपने निबड़ी, हड़ोली, नागपुर, खूंबर, और बहुत ही इन गांव में पानी भरा हुआ है, दुकानों के अंदर पानी चला गया, जो मेन का बाजार था नागपुर में जो हमारा ब्लॉक भी है, और हड़ोली गांव में काफी गांव में काफी घरों में नुकसान हुआ है। फसलों का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, क्योंकि लगभग 3,000 एकड़ के करीब बहुत ही भारी बरसात होने से बड़ा ही नुकसान है। ऐसे नंगल हमारे इधर खूनन, नागपुर, हड़ोली, बिरडाना, काफी गांवों में जो रतिया विधानसभा के जल भरा हुआ है, और बहुत जल्द कल ही मैंने माननीय डी साहब से मुलाकात करके और कनगो पटवारी और इनकी तहसीलदार सभी की ड्यूटियां लगा के इनका गिरदावरी की जाएगी। प्रदेश भर में किसान के पहले धान की फसल में आई बीमारी के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं फिर मंडियों में 8 दिन चली आढ़तियों की हड़ताल का हर्जाना भी किसानों को भुगतना पड़ा। अब अम्बाला में 21 से 25 सितंबर तक भारी बरसात हुई, जिसका आलम यह रहा कि किसानों के खेतों में भारी जल भराव हो रहा है। जल भराव की वजह से एक बार फिर किसानों की फसल तबाह होने की कगार पर है। अम्बाला के कृषि विभाग में प्रशासन से मदद की गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन विभाग का कहना है कि जल भराव का कोई बीमा नहीं है। तो पिछले 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार बारिश पड़ रही है, तो किसान का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो देखने वाला कोई नहीं आया अब तक। तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए हैं कृषि सदन में, तो यहाँ पर आकर सर ने बोल रहे हैं कि आपको एक ई क्षतिग्रस्त में जाकर अपना बीमा करवाना पड़ेगा। तो सर ये कहते हैं एक हफ्ते का टाइम दिया है इन्होंने हमको, तो एक हफ्ते तक तो वहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास गिरदौरी करनी है। जैसे कि 25 तारीख को मी हटा है, 26 तारीख को उन्होंने हमारी गिरदौरी करनी थी, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हमारे खेत का गिरदौरी करी जाए और जो भी हमारा मुआवजा बनता है तो हमें दिया जाए।
एक सप्ताह से फसल बेचने के लिए परेशानी झेल रहे किसानों को अब राहत मिली है। आढ़तियों ने हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब आढ़ती धान खरीद में सहयोग करेंगे। कैथल अनाज मंडी में 4000 क्विंटल धान की खरीद की गई। इसके बाद से आढ़तियों ने खरीद में सहयोग किया। करनाल में प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल स्थगित करने का मैसेज मिला था, जिसके बाद खरीद शुरू कर दी गई है। सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी गेट पे हमने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए हैं और किसानों से आपके माध्यम से अपील है कि वो अपना गेट पास गेट पे ही लें, ठीक है, और गेट पास लेके ही अंदर आएं। और कोई नहीं, उनका जो भी यहाँ पे हमने हमारी तरफ से पानी की व्यवस्था है, बिजली की है, सफाई की है, कैंटीन की सब व्यवस्था हमने पूर्ण कर दी। कितना दान गिर चुका है यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ बारीक माल अभी आ रहा था, 1500 आ रही थी, लगभग 90,000 क्विंटल माल अभी तक कंप्लीट हो चुका है और कल भी लगभग 2200 क्विंटल माल बिका और परसों लगभग 1100 क्विंटल माल बिका। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।